करते 9:30 बजे 9 बजे, तो ज्यादा से ज्यादा लीडर्स मीटिंग में होते हैं क्योंकि उस वक्त हम अपने घर पे होते मोस्टली। तो हम क्या करेंगे, कल रात को 9:30 बजे अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे, सुबह का जो सेशन है उसको रात में शिफ्ट करेंगे। तो आज हमने अलेक्स सर का इंटरव्यू देखा कि किस तरह से उनका विजन क्रिप्टो बाजार को लेके, एक स्ट्रांग विजन, एक बड़ा विजन है, और किस तरह से उन्होंने पिछले 7-8 साल के अंदर क्रिप्टो बाजार के माध्यम से एक अपना बड़ा करियर बिल्ड किया, एक बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जो आज की डेट में क्रिप्टो बाजार के अंदर 20,000 कंपनी को कंपटीशन करती है। पूरे दुनिया के अंदर 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिप्टो बाजार में काम कर रहे हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं आने वाले, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर हम दुनिया के पावरफुल प्रोजेक्ट में गिने जाएंगे। और हमारा सबका एक नसीब है कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने अगर दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के बारे में अगर कभी सुना होगा, बुर्ज खलीफा के बारे में, तो जब बुर्ज खलीफा बनाने का प्लान बनाया गया तो कई सारे लोगों को वो पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसको स्टार्ट किया और उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर वहां पे चैलेंजेस आने शुरू हो गए कि जो बुर्ज खलीफा बनाने वाली यूएई की सरकार थी या उनके साथ जो पार्टनर्स थे, उनके पास पैसे खत्म हो गए और वो बुर्ज खलीफा के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। बीच में उनको काम को रोकना पड़ा जब तक उनके पास दोबारा वो पैसे नहीं आते कहीं से, इन्वेस्टर से। और फिर धीरे धीरे इन सारे चैलेंजेस के बाद थोड़ा सा समय बीत गया, लेकिन बुर्ज खलीफा बन के तैयार हो गया। और फिर वो बुर्ज खलीफा को देखने के लिए पूरी दुनिया आने लग गई, और धीरे धीरे एक स्मार्ट सिटी दुबई हमारे सामने प्रेजेंट हो गई। तो दुनिया के अंदर बड़ा से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एकदम आसानी से आप उसको खड़ा नहीं कर सकते। जब आप उसका बनाने का प्लान करेंगे तभी भी लोग आपके अगेंस्ट होंगे, जब आप बनाना शुरू करेंगे तभी भी आपके पास चैलेंजेस होंगे, और जब आप उसको पूरा करेंगे दुनिया आपको सलाम करेगी। तो पिछले 7 साल के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड के साथ जितने भी चैलेंजेस खड़े हुए, जब प्लैटिन वर्ल्ड स्टार्ट हुआ बहुत सारे लोगों ने एलेक्स सर के बारे में गलत लिखना शुरू कर दिया आज से 7 साल पहले, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, और 7 साल बाद आज भी हम बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन के साथ मार्केट में खड़े हैं। लेकिन आने वाले कुछ ही सालों के बाद जब हमारे पास एक पावरफुल कम्युनिटी होगी, हमारे प्रोडक्ट मार्केट में तूफान मचा रहे होंगे, तो दुनिया हमको सैल्यूट करेगी क्योंकि हम दुनिया के 20-25 हज़ार कंपनियों में से पहले कुछ कंपनियों में गिने चुने होंगे, और हम सब लोग नसीबवान होंगे कि हमारे पास एक पावरफुल कंपनी है। और आज वाकई में हम सब लोग नसीबवान हैं कि मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरे लाइफ की ये पहली कंपनी जिस कंपनी पे मैं 7 साल काम कर रहा हूं। इसके पहले मुझे कभी जिंदगी में पिछले 20 साल में 7 साल काम करने का मौका किसी कंपनी के साथ नहीं मिला, और आज हम पिछले 7 साल से एक प्रोजेक्ट के ऊपर खड़े हैं। पर आने वाले 7 साल अगर हम सब लोग इस प्रोजेक्ट पे खड़े होते हैं और ये दुनिया के गिने चुने क्रिप्टो बाजार के प्रोजेक्ट में आता है, तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आज हमारी सबकी एक मजबूरी है कि जब 2017 में हमने प्लैटिन वर्ल्ड स्टार्ट किया और पहला इवेंट 2018 में दुबई में हुआ, जहां पूरे दुनिया के लोग आ गए, 110 कंट्री से ज्यादा लोग थे वहां पे, और उस इवेंट को हमने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद वहां पे एलेक्स सर ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जो प्रोडक्ट 5 साल और 7 साल के थे, और हम सबको लगा कि ये कंपनी तो अब खत्म हो गई, 5 साल और 7 साल इस कंपनी पे कौन विश्वास करेगा। और दुबई से हम निराश होकर वापस आ गए, और 8 दिन 10 दिन के बाद मजबूरन हमें आगे काम करना पड़ा, और जैसे जैसे हम काम करते चले गए हमारा विजन ऑटोमेटिक बड़ा बनते गया। हमने उस 5 साल और 7 साल के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद वो हमारी आदत बन गई, और वो हमारी मजबूरी की वजह से आज हम ये कहते हैं कि 7 साल से हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। जैसा देश वैसा भेस, यानी आपका जैसे माइंडसेट बनाया जाएगा वैसे आप बन जाओगे। अगर आज एलेक्स सर हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आ रहे, एलेक्स सर ने हमें बाकी सारे कॉइन से
स्मार्ट पॉइंट में शिफ्ट करवा दिया, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सबके सामने। 3 साल और 5 साल का जब हमने पीपीटी देखा तो किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन धीरे 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 हमारा माइंडसेट बन गया और आज हम सब लोगों ने अपना स्वैपिंग किया और आज हम सब लोग स्मार्ट कॉइन को एक्सेप्ट कर रहे और हमारे सबके पास 3 साल और 5 साल का अगला प्लान है, यानी 7 साल के साथ और 5 साल, यानी लगभग लगभग 12 साल हम इस कंपनी के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। और ये अगले 5 साल के अंदर हमारे पास आप जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो डेफी का प्रोडक्ट है। मैंने आपको एक डेफी का वीडियो दिखाया कि डेफी क्या होता है। आप जब YouTube के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डेफी के बारे में वीडियोस बनाए। अगर 2-3 लोगों के आप अलग अलग वीडियोस बार बार सुनेंगे तो आपको डेफी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आएगा। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब प्रोडक्ट लेके आप मार्केट में जाएंगे तो ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है इसके बारे में आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक नॉलेज लोगों को शेयर करोगे, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। डेफी एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करने वाला प्रोडक्ट है। पिछले 7 साल के अंदर हम सब लोगों ने डायरेक्ट क्रिप्टो पे काम किया और हमें कभी भी नहीं लगता है कि क्रिप्टो लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ऑलरेडी मानसिकता नहीं है। लेकिन डेफी का प्रोडक्ट क्रिप्टो से अलग है। डेफी के अंदर आप सब्जी वाले से लेके टांगा घोड़ा वाले से लेके किसी के भी पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसे लगाना और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और एलेक्स सर को यह समझ में आ गया कि हमारे पास जो कम्युनिटी है वो क्रिप्टो बाजार को समझ नहीं पा रही है, लेकिन डेफी का प्रोडक्ट हमारे पास अब हम डिजाइन करेंगे तो ये एक आम इंसान की जरूरत बन सकता है और कोई भी अपने पैसे डेफी के प्रोडक्ट में लगा सकता है। तो इसलिए प्रोडक्ट तूफान मचाने वाला है। आप किसी के पास भी जाएंगे और सही तरीके से डेफी का प्रोडक्ट समझाएंगे तो कोई भी आपको हाँ बोल सकता है, यानी ऑटोमेटिकली मार्केट आपको रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, आपको रिजल्ट मिलने शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पे कोई भी क्रिप्टो को होल्ड नहीं कर रहा है। जैसे हम बैंक में जाके एफडी करते हैं और बदले में बैंक हमको ब्याज देता है, जैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं और बदले में हमें थोड़े बैंक से ज्यादा पैसे मिलते हैं, हम कुछ नहीं करते, सेम काम करने वाला है डेफी का प्रोडक्ट, जहां पे हमें क्रिप्टो को होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, स्टेकिंग कर दी, उसके बदले में हमें उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस प्रोडक्ट को प्रॉपर वे से समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट समझ में आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम प्लैटिन वर्ड के साथ डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ये हमें पहले तो भूलना नहीं है। हमारा रोल क्या है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के जो इथिक्स है वो जनरल इथिक्स होते हैं, वो किसी कंपनी के साथ नहीं होते, वो पूरे इंडस्ट्री के लिए एक समान इथिक्स होते। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आते हो, जब आप किसी कंपनी को सेलेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आती है उस कंपनी के अंदर। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके पास बेहतरीन अपलाइंस होने बहुत जरूरी होते हैं। एक अच्छी कंपनी आपके पास है, एक अच्छा प्रोडक्ट आपके पास है, एक अच्छा मार्केटिंग प्लान आपके पास है, लेकिन अगर अच्छी अपलाइन की टीम आपके पास नहीं है, जिनके पास मार्केट का वैस्ट एक्सपीरियंस हो, जो आपको एजुकेट कर सकते हैं, जो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, कई बार क्या होता है ओवर एक्साइटमेंट के अंदर जब समय अच्छा होता है तो कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार जब चैलेंजेस आते हैं तो उस वक्त आपको एक मैच्योर अप्लायंस की जरूरत पड़ती है जो आपकी काउंसलिंग करके आपको उस समय से बचा सकते हैं। और इसी के वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग फेल हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं और जैसा ही समय खराब आ जाता है वहां पे कोई अपलाइन हमें काउंसलिंग नहीं कर पाता है, हमारी मदद नहीं कर पाता है और उस प्रोजेक्ट से हम डर के मारे बाहर निकल जाते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर प्लैटिन वर्ड के इकोसिस्टम में 90% लीडर्स प्लैटिन वर्ड से बाहर निकल गए, जिन्होंने बड़े बड़े रैंक हासिल किए, लेकिन उनके पास एक स्ट्रांग लीडरशिप नहीं होने की वजह से वो लोगों की काउंसलिंग नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 1 साल से हमने डेली उठ के, चाहे कस्टमर हो चाहे मार्केटिंग लीडर हो, हमने सबके साथ जूम के माध्यम से संवाद साधा और सबकी काउंसलिंग करने की कोशिश की कि हम सब लोग एक स्ट्रांग कंपनी के साथ खड़े हैं। मार्केट में बिजनेस जब हम करते हैं तो प्लस माइनस होता है, आपका बिजनेस कभी भी एक जैसा पूरे साल नहीं चलेगा। आपके बिजनेस के अंदर ये बिजनेस हमेशा सीजनल होता है, कुछ महीने बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, कुछ महीने बिजनेस आपका खराब चलेगा, कुछ महीने बिजनेस आपका रुक जाएगा, और इसी के बीच आपको
अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और फिर उसी समय के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आपका अच्छा समय आएगा, उसके बाद आपका थोड़ा सा बुरा समय आ सकता है, फिर दोबारा आपका अच्छा समय आ सकता है। और ये रूटीन के अंदर जब आप माइंड सेट बनाएंगे तो आपका बिजनेस हमेशा तेजी से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा आपको। आप अगर आपने स्टॉक मार्केट का या क्रिप्टो बाजार का कोई ग्राफ देखा होगा किसी कंपनी का, तो वो ग्राफ कभी भी एक जैसा ऊपर नहीं जाता, लेकिन जब वो शुरू होता है वहां से जब वो 5 साल 10 साल ऊपर जाता है, वो झिकझाक होता है, ऊपर नीचे होता है, और उसके बाद एक लाइन से उसको मेजरमेंट किया जाता है, तब आप देखते हो तो ये 90 डिग्री में ऊपर जाता है। तो हमेशा कोई भी बिजनेस एक जैसा नहीं चलता है, उसके अंदर अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन उसके बीच में हमें स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग जो रूल्स है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए। हमने देखा कि 90% से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में फेल है। अभी अलेक्स सर का इंटरव्यू हम सुन रहे थे, दुनिया के पहले 10 लोगों में उनका नाम लिया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो बाजार के अंदर, और उनका स्टेटमेंट है अपने स्टडी से कि इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 5% लोग ही सक्सेस हो पाएंगे बिकॉज ऑफ 95% लोग। उसका एक ही कारण है कि 5% लोगों के पास पेशेंस होंगे और 90% लोगों के पास पेशेंस नहीं होंगे। तो दुनिया के हर बिजनेस के अंदर ऐसा ही होता है और दुनिया भर के अंदर ऐसा ही होता है। एक दुनिया भर की कहावत है, दुनिया का 95% धन दुनिया के 5% लोगों के पास है और बचा हुआ 5% धन दुनिया के 95% लोगों के पास है, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी है। तो हर बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, हर इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कैसे चलता है इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उस इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी को आप ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपका पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उस कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। यानी एक ही प्रोडक्ट के अंदर, एक ही बिजनेस के अंदर, एक ही इंडस्ट्री के अंदर कई सारे पार्ट्स है। नेटवर्क मार्केटिंग में मोस्टली लोग फेल होते हैं जब नए लोग आते हैं, वो किसी भी एक स्पॉन्सर के थ्रू किसी कंपनी में जुड़ जाते हैं। जब आप प्लैटिनम वर्ल्ड में काम करते हैं और आप किसी के पास चले जाते हैं और उनको प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में बताते, प्लैटिनम वर्ल्ड के प्रोडक्ट के बारे में बताते, फिर मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते, अब उस इंसान को प्रोडक्ट अच्छा लगता है, मार्केटिंग प्लान अच्छा लगता है, कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा लगता है, वो इंसान आपके साथ जुड़ जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कितना बड़ा काम करने वाला हूं, उसको ये नहीं पता जो स्पॉन्सर मेरे पास बैठे हैं उनका पोटेंशियल कितना बड़ा है, उनकी लीडरशिप क्या वाकई में इतनी बड़ी स्ट्रांग है। और वो इंसान जब जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद वो काम करना स्टार्ट करता है और काम करने के बाद उसको पता चलता है कि जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है उनके पास उतनी पावरफुल स्किल नहीं है, उनके पास उतनी पावरफुल लीडरशिप नहीं है। और फिर ऐसे समय पे जो एक अच्छा बेहतरीन लीडर होता है, जब बाद में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो उनकी काउंसलिंग नहीं कर पाते। तो इसलिए आपके स्पॉन्सरशिप लाइन के अंदर आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके अपलाइन टू अपलाइन के अंदर ऐसे कौन सक्षम लीडर्स हैं जिनके साथ आप अपना कम्युनिकेशन बना सकते हैं। जब भी आप किसी नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जो आपके स्पॉन्सर होते हैं उसके अलावा आपके कई सारे अप्लायंस होते हैं। स्पॉन्सर के अलावा जो अप्लायंस होते हैं उसमें एक सक्षम अप्लायंस होता है जिसके पास एक स्ट्रांग लीडरशिप होती है। आप उसमें से किसी भी एक अप्लायंस को अपना मेंटर बना सकते हैं। और MLM के अंदर जब आप किसी के थ्रू स्पॉन्सर होते हैं और अपने अपलाइन टू अपलाइन स्ट्रक्चर के अंदर किसी को आप अपना मेंटोर मानते हैं और एक सही राइट पर्सन को आप अपना मेंटोर बनाते हैं, तो वो कंपनी से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर एक अच्छी कंपनी है तो वहां पे आपको हमेशा काउंसलिंग मिलेगी, आपको हमेशा वहां पे गाइडलाइन सपोर्ट मिलेगा, जिसके वजह से आप उस प्लेटफॉर्म पे बने रहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मान लो कोई एक अच्छा लीडर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाता है और उसके स्पॉन्सरशिप में अच्छे लीडर्स नहीं है, तो वहां पे उसको काउंसलिंग नहीं मिलती है, अपलाइन सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके ऊपर एक अच्छी लीडरशिप नहीं होती है, तो वो सारी की सारी टीम टूट जाती है।
और उनको ऐसा लगता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल काम किया और हमारा समय और पैसा दोनों वेस्ट हो गया। लेकिन ये होता है आपके ऊपर कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं होने की वजह से। अगर आपके ऊपर स्ट्रांग लीडरशिप है तो 100% वहां पे आपका करियर लंबे समय के लिए बन सकता है। अगर मैं इसी का एग्जांपल दूं कि मैं मेरे करियर में 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में मैं अगर 7 साल प्लैटिनम वर्ल्ड में खड़ा हूं तो उसके पीछे का मेरा कारण क्या होगा? उसके पीछे का मेरा कारण है मेरे अपलाइन कंपनी के सीईओ। कंपनी के मालिक और मेरे बीच में 3 अपलाइन थे, 3 में से 2 ने कंपनी छोड़ दी। जो 1 अपलाइन थे उनको इंग्लिश नहीं आती है, जिसकी वजह से मैंने कभी 7 साल में उनसे बात नहीं की। तो मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे कंपनी के मालिक के साथ ही बात करनी पड़ी और मेरे को इतना स्ट्रांग अपलाइन मिल गया जिसकी वजह से मैं 7 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा। तो ये एक मेरा एग्जांपल है। आज अगर मुझे 7 साल एक प्लेटफॉर्म पे किसी ने खड़ा किया है, उसके पीछे का कारण है मेरे अपलाइन। यानी आप इससे कितना सीख सकते हो कि आपके ऊपर एक स्ट्रांग अपलाइन की सपोर्ट टीम होना कितना जरूरी होता है। एक अच्छी कंपनी से लोग बाहर निकल जाते हैं और बुरी कंपनी का शिकार बन जाते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि उनके स्पॉन्सर लाइन के अंदर अच्छे लीडर की कमी होना। बहुत सारे लोग नए कंपनी में आते हैं, पहली बार एमएलए में आते हैं, उनके पास कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। इधर उधर से यूट्यूब से कुछ वीडियो देख के या कुछ लोगों को सुन के और एक्साइटेड हो जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं और एक अच्छी टीम भी बनाते हैं। लेकिन जब समय खराब आता है, उनके पास वो मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, उनके पास वो मार्केट का पुराना एक्सपीरियंस नहीं होता इंडस्ट्री का, और उस वक्त तो टीम को नहीं बचा पाते, क्योंकि लोगों को उस वक्त लोगों का सामना नहीं कर पाते हैं, उनकी काउंसलिंग नहीं कर पाते और वो सारी की सारी टीम डिस्टर्ब हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा आपके टीम के अंदर, आपके अपलाइन के अंदर जहां जहां लीडरशिप की कमी होती है वहां पे आपकी टीम डिस्टर्ब हो जाती है और लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, जो आपकी मेहनत है वो पूरी की पूरी पानी में चली जाती है। तो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रांग कंपनी हमारे पास होना बहुत जरूरी होती है। दूसरी चीज, कंपनी के सीईओ का विजन बहुत बड़ा होना जरूरी होता है। ये दोनों चीजें हमारे पास पिछले 7 साल से हैं, इसलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। उसके बाद उस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट के कॉम्पिटिशन में सबसे पावरफुल होना बहुत जरूरी है। आज प्लैटिनम वर्ल्ड के पास जो भी प्रोडक्ट्स है, हमारे कॉम्पिटिशन में पूरे दुनिया में कोई नहीं है। मार्केटिंग का प्लान, हमारे प्लान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पे आउट का जो पॉलिसी है, वो दुनिया के अंदर किसी भी कंपनी के साथ कॉम्पिटेट नहीं हो सकता है। हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है, हमारा पे आउट स्ट्रांग है, हमारा मार्केटिंग का प्लान स्ट्रांग है, हमारे पास एक स्ट्रांग प्रोडक्ट है और एक पावरफुल सीईओ जिसका पावरफुल विजन है। तो आप ये सब कुछ सही होने के बाद आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं, क्या वाकई में उस टीम के अंदर ऐसे लीडर्स हैं आपके स्पॉन्सरशिप अपलाइन में जिनका विजन बहुत बड़ा है, जिनका विजन बहुत लंबा है, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी टीम की काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं और उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लास्ट रैंक तक लेके जा सकते हैं, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर सकते हैं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके टीम के अंदर ऐसे लीडर्स की कमी है तो वहां पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए थे। और ये कई सारे लीडर्स के साथ ऐसा होता है। तो हमेशा आपको एक अच्छी कंपनी के पास एक अच्छी स्पॉन्सरशिप आपके टीम में होना बहुत जरूरी है और उसके बाद आपको पूरा जो मार्केटिंग का सिस्टम है उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके साथ आपको इथिकली आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी और कंपनी के अंदर, हमने अलग अलग कंपनी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे प्लान के हिसाब से लोग अपना स्ट्रक्चर बनाते और फिर पिछली कंपनी में जो स्ट्रक्चर बनाया था उसी स्ट्रक्चर के साथ वो अगली कंपनी में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम मैंने वहां पे इस तरह से आपने मल्टीपल आईडीज लगाए थे, यहाँ पे भी मैं सेम आईडीज ले लूंगा तो मेरा और ज्यादा पे आउट बनेगा। वो विदाउट मार्केटिंग प्लान को बिना समझे, बिना स्टडी किए, किसी अपलाइन का विदाउट काउंसलिंग वो डायरेक्टली अगर अपना दिमाग लगाते तो आने वाले समय में 6 महीना, साल, 2 साल के अंदर फिर उस प्लान के अंदर वो फेल हो जाते। आज हमने प्लैटिनम वर्ल्ड में देखा है कि 7 साल के अंदर कितने सारे लीडर्स डायमंड बनने के बाद प्लैटिनम वर्ल्ड से बाहर निकल गए। उनका मेन कारण क्या था? वो डायमंड बनने तक उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ काम किया और जैसे ही वो डायमंड बने उसके बाद छोटे मोटे चैलेंजेस आए, उनके पास एक स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी जिसके वजह से वो अपनी टीम को बचा नहीं पाए, एक कारण। दूसरा कारण, उनको ये एहसास हो गया कि मैं डायमंड बना हूं, मेरे टीम के अंदर और भी डायमंड बने हैं लेकिन उनका पे आउट मेरे से ज्यादा है।
तो मेरे टीम का पे आउट जब मेरे से ज्यादा बन रहा है तो कहीं ना कहीं मैंने गलतियां की है, अब ये गलतियों को मैं सुधार नहीं सकता। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है, जब आपकी टीम के लोग आपसे ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो आपका ईगो हर्ट होता है और ये गलती आप दोबारा सुधार नहीं सकते। तो ये गलती करने से पहले ही आपको शुरुआत में आपके मेंटरशिप के अंदर आपको टॉप अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर उनसे बात करके आपको प्लान को समझना बहुत जरूरी होता है कि प्लान ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एक बार आपने ग्लस स्ट्रक्चर बना दिया तो उसके ऊपर आप बुर्ज खलीफा खड़ा नहीं कर सकते, आपका बुर्ज खलीफा कभी भी कोलैप्स हो सकता है। अगर आपने एक चार माले की बिल्डिंग बना दी और उसके बाद कुछ साल बाद आपको लगा कि नहीं इसके ऊपर और 10 माले की बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन जब आपने 4 माले की बिल्डिंग बनाई थी तो उसका फाउंडेशन भी 4 माले का था, वो 10 माले का था ही नहीं, आइदर उस बिल्डिंग को आपको पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अदरवाइज आपको 4 माले के बिल्डिंग के ऊपर 10 माले की बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो हमेशा हमारा फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब अपना स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको सबसे पहले कंपनी के मार्केटिंग प्लान को ही स्टडी करना पड़ता है क्योंकि आपका करियर ही उसके ऊपर डिपेंड है। आप उसी मार्केटिंग प्लान से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाले। और मेरा एग्जांपल है, मैंने 2017 में जब इस कंपनी को ज्वाइन किया, मैंने पहले प्लान को स्टडी किया और प्लान को स्टडी करने के बाद सिंगल अकाउंट बनाया अपना और पिछले 7 साल से मैं एक सिंगल अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, जिसके वजह से मैंने सारे रैंक को तेजी से क्वालिफाई किया, मैंने सारे के सारे इनकम्स को क्वालिफाई किया, मेरा कोई भी इनकम कभी भी पिछले 7 साल के अंदर लैप्स नहीं हुआ क्यों, मैंने हर क्राइटेरिया को पूरा किया, जिसके वजह से एक सिंगल अकाउंट के ऊपर मेरा जो पे आउट जनरेट हुआ वो मैक्सिमम पे आउट जनरेट हो गया, यानी जितना पैसा हम कमाना चाहते। तो फिर जब आपको एक आईडी पे सफिशियंट पैसा मिल सकता है तो आपको मल्टीपल आईडी लेके अपने स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने का कोई राइट नहीं है, जिसके वजह से फ्यूचर में आपको और ज्यादा डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। तो पेन और पेपर लेके अपना स्ट्रक्चर बनाना है। अलग सर का जब आप नेक्स्ट वेबिनार आएगा अगले 2-4 दिन के अंदर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी वेबिनार के अंदर मार्केटिंग का प्लान भी हमारे सामने होगा, प्रोडक्ट के डिटेल्स भी हमारे सामने होंगे। तब तक हमारे पास समय है, हम YouTube पे जाके डेपी के प्रोडक्ट्स को समझ सकते हैं, हम YouTube पे जाके क्रिप्टो को स्टडी कर सकते हैं, हम YouTube पे जाके नेटवर्क मार्केटिंग सीख सकते हैं क्योंकि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। और जैसे ही प्रोडक्ट हमारे हाथ में आएगा, जैसे मार्केटिंग का प्लान हमें समझ में आएगा, उसके हिसाब से हम अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। आपको अगर प्लैटिन वर्ड के मार्केटिंग के प्लान में सक्सेस होना है तो आपके लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके अपलाइन में स्ट्रांग स्पॉन्सरशिप होना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जब आप बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो मार्केटिंग का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब आप आईडी लगाएंगे तो आपके स्ट्रक्चर के अंदर लीडर्स है वो आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लेवल में पूरी टीम होना बहुत जरूरी है। अगर वो टीम आपकी ज्यादा से ज्यादा नीचे चली गई तो आपके लेवल्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब आप डायमंड रैंक टर्नओवर से क्वालिफाई करेंगे तो वहां पे आपको पहले 3 लेवल के अंदर पर मंथ आपको 5,000 यूरो का बिजनेस करना है डायमंड इन्फिनिटी का क्राइटेरिया पूरा करने के। तो जब आपके 3 लेवल में डायमंड इन्फिनिटी का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो आपकी इन्फिनिटी भी लैप्स हो जाएगी। और इस बार प्लान के अंदर अगर मान लो एक डायमंड के नीचे दूसरे डायमंड है और नीचे वाले डायमंड की इन्फिनिटी लैप्स हो जाती है तो उसका बेनिफिट उसके ऊपर वाले डायमंड को मिलने वाला है। तो जब आपके अपलाइन के पास आपकी पूरी की पूरी डायमंड इन्फिनिटी जाएगी तो आप इस प्लान से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे क्योंकि आपका सबसे बड़ा पैसे का हिस्सा इन्फिनिटी के अंदर है। हम सब लोगों ने देखा कि 2022 के अंदर हमारे लीडर्स के खाली इन्फिनिटी के पे आउट 50-50 लाख के थे पर मंथ, कई लीडर्स के पे आउट तो उसके भी ऊपर थे, हाईएस्ट पे आउट 50 लाख का था एज ए डायमंड इन्फिनिटी। तो जब 50 लाख रुपए का पे आउट आपका लैप्स हो जाएगा तो आप इस प्लेटफॉर्म पे टिक नहीं पाएंगे और ये गलती सुधारने का मौका भी आपको उस वक्त नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बहुत आगे निकल गया होगा। तो ये मौका आज आपको दोबारा मिल रहा है अपना खुद का फाउंडेशन मजबूत करने का, अपना स्ट्रक्चर प्रॉपर डिजाइन करने का जहां से आप मैक्सिमम पे आउट ले सकते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़े पे आउट के अंदर डायमंड इन्फिनिटी है, रैंक बोनस है और तीसरा जो कंपनी ने अभी नया पूल लॉन्च किया है वर्ल्ड पूल, जिसमें बहुत बड़ा पैसा हम रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। ये 3 प्लान से ही बड़ा पैसा आने वाला है और अलेक्स सर ने ये सारा पैसा
सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लीडर्स के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और आप डायमंड क्वालिफाई करते हैं, तो डायमंड क्वालिफाई होने के बाद आपका रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाता है, आप कई लाख कई करोड़ों के पे आउट में जा सकते हैं। और जब आपको लाखों करोड़ों का पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप इस प्लेटफॉर्म को और स्ट्रांग बना सकते हैं, आप अपनी टीम को और स्ट्रांग बना सकते हैं। और हर कोई लीडर चाहेगा कि चाहे बाय हुक पाय हुक मैं प्लैटिनम वर्ल्ड में डायमंड बन के ही रहूंगा, क्योंकि डायमंड बनने के बाद ही आपका करियर शुरू होता है। अगर मान लो आपको आईएएस या आईपीएस होना है, तो आप 12th तक कॉलेज में जाएंगे और उसके बाद उसकी एग्जाम देंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप बीए बीकॉम करेंगे उसके बाद उसकी एग्जाम देंगे, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपके लिए उसकी सेपरेट तैयारी करनी पड़ेगी। तो वैसे आपको डायमंड इन्फिनिटी को क्वालिफाई करना है, वर्लपूल को क्वालिफाई करना है, तो आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस मुकाम पे पहुंचने वाले, तब जाके आपका पे आउट बड़ा होने वाला है। तो ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मार्केटिंग के प्लान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 7 साल में जो लोगों ने गलतियां की, उन गलतियों को स्ट्रक्चर लगने के बाद वो सुधार नहीं पाए और कई सारे लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। लेकिन आज हमारे पास मौका है कि हमने जो गलतियां की पिछले 7 साल के अंदर, उन सारी गलतियों को हम सुधार सकते हैं, एक प्रॉपर टीम हम बना सकते हैं। आप पिछले 2-4 दिन के अंदर जैसे ही ये नया स्ट्रक्चर का न्यूज हमारे सामने आया, सो बहुत सारे लोग खुरापति दिमाग लगा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बैठ के फ्री में मलाई खाने को मिलेगी, और वो अपना स्मार्ट दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको रियलिटी पता है कि आपने जिस स्ट्रक्चर के अंदर आईडी लिया है, उस स्ट्रक्चर के अंदर भले आपके स्पॉन्सर एक स्ट्रांग लीडर नहीं है, लेकिन आपके स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर में कई सारे स्ट्रांग लीडर्स हैं जो आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास ना नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जिनके पास कोई मैच्योरिटी लेवल है, और जो ये सोच रहे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक स्मार्ट लीडर हूं, मैं आप सब लोगों की मदद कर सकता हूं और आप मेरे टीम में आके जुड़ जाओ और आपके वजह से मैं पैसे कमा लूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करने वाले लीडर से ही सक्सेस मिलेगा, आपके साथ फिजिकल ट्रेनिंग्स फिजिकल मीटिंग्स करने वाले लीडर से ही सक्सेस मिलेगा, आपके 50-100 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लीडर के वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई लीडर हवा में बात कर रहा है और आपसे 1000 किलोमीटर दूर है, उससे आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फेल नहीं होना है, तो आपके दूसरे तीसरे चौथे इमीडिएट स्पॉन्सर अपलाइन के अंदर कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो बोलता है कि मैं ट्रेनर हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो ट्रेनिंग देते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों के टीम में जो लोग जाते हैं वो पूरे के पूरे फेल हो जाते हैं, उनको फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलता है। और एक ट्रेनर की मानसिकता क्या होती है एमएलएम के अंदर, उसको नेटवर्क मार्केटिंग करने में कभी भी अच्छा नहीं लगता। और जब वो ट्रेनर अगर आपकी टीम को आके ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट नहीं करता, सर्विस नहीं देता है, तो आपकी टीम कहां से बिल्ड होगी। तो मैंने 20 साल के अंदर देखा बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते और कुछ समय के बाद वो ट्रेनर बन जाते, और जैसे वो ट्रेनर बन जाते उनके करियर की बर्बादी शुरू हो जाती है, उनके टीम्स खत्म हो जाते। तो आप ऐसे लीडर्स के साथ गुमराह होकर गलती से भी अपना कोई डिसीजन ना ले, जिससे आपकी टीम और आपका करियर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खत्म हो जाए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पहले दूसरे तीसरे अपलाइन के अंदर या आपके अपलाइन टू अपलाइन के अंदर अगर एक या दो या तीन बड़े अपलाइंस है, स्ट्रांग अपलाइंस है, तो आपके टीम को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको हमेशा प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी, प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगी। तो हवा में आप गुमराह होने का समय नहीं है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेने का समय है, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगले 5 साल अगले 10 साल काम करना है, अपना करियर करना है। लोग लाना बहुत आसान होता है, लोगों को बांध के रखना, उनके साथ काम करना, उनकी काउंसलिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके नियर एंड डियर एरिया का लीडर आपके साथ कर सकते हैं। यानी आपके अपलाइन के अंदर कोई भी एक लीडर आपके 50, 100, 200 किलोमीटर के दायरे में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको सक्सेस मिलने वाला है। आपके नेटवर्क के अंदर जो अपलाइन टू अपलाइन लीडर्स है, जिनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
हमने देखा पिछले 7 साल के अंदर कि हमारे जो अपलाइंस थे, हमारे क्रॉस लाइन में दानिश सर थे, उनके अपलाइन में 2 लीडर्स थे, मेरे अपलाइन में 3 लीडर्स थे, ये तीनों लोगों ने, क्या पांचों लोगों ने क्या किया, पूरे 7 साल बैठ के मलाई खा ली, हमको बेवकूफ बना लिया। साल में एक बार दो बार दुबई में मिलते थे, 2-4 लोगों को पकड़ के दारू पिलाते थे, उनको लगता था मैंने पूरे इंडिया को ट्रेनिंग दे दिया, मोटिवेट कर दिया। 2-4 महीने में एक बार जूम पे आते थे, आधा घंटा हाय हेलो करते थे, उनको लगता था हमारा काम पूरा हो गया। अगर उनके नीचे इतना बड़ा काम हो गया, उसका एक ही कारण था, क्योंकि हमने इस प्लेटफॉर्म को ग्राउंड लेवल पे जाके डेवलप किया, क्योंकि हमें अपना करियर बनाना था, जिसके वजह से इतनी बड़ी टीम बन पाई। तो हवा में बातें करने वाले, जूम पे बैठ के ज्ञान बांटने वाले लोगों से आपका जिंदगी कभी बनने वाला नहीं है। आप ऐसे लोगों से सावध रहिए, जो लोग आपको गुमराह करेंगे उसके नतीजे आपको अगले 3 महीने में मिलेंगे, अगले 4 महीने में मिलेंगे, और मजबूरन आप इस प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको बाद में सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। जो सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके टीम को ट्रेन करना, फिजिकल लेवल पे उनके मीटिंग्स करना, आपकी टीम की काउंसलिंग करना और उनको सपोर्ट करके आगे लेके जाना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जहां बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि लोग किसी कंपनी के अंदर किसी लीडर के स्किल के ऊपर चले जाते हैं, यार ये बोलने में बहुत अच्छा है, इसके साथ मैं जुड़ूंगा तो मेरी टीम इंप्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर एक लीडर सिर्फ बोलने में अच्छा है, उसके साथ जुड़ने से आपकी टीम कभी बिल्ड नहीं होगी, ना कभी होती है, क्योंकि आपकी टीम बिल्ड होती है आपके अपलाइन टू अपलाइन, जो लोग आपको फिजिकल सपोर्ट करते हैं उससे आपकी टीम बिल्ड होती है। तो पहले तो आपको आपके 50, 100, 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर के अपलाइन के साथ रहना है, वो आपका लंबे समय के लिए सपोर्ट करेगा। दूसरा, आपके अपलाइन टू अपलाइन में जो लीडरशिप है, क्या वो आपके कंट्री के अंदर बैठी है, क्या उनके पास 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्या वाकई में वो सीरियस लीडर्स है, क्या वाकई में इस प्लेटफॉर्म को पिछले कई सालों से देख रहे, क्या वाकई में उनके साथ अपना करियर बन सकता है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने पिछले 7 साल के अंदर बहुत सारे टीम को प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर फेल होते हुए देखा, उसका एक ही कारण है, उनके अपलाइन का उनको सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन स्ट्रांग अपलाइन नहीं होने की वजह से उनका कोई बड़ा ग्रोथ नहीं हो पाया। आप अगर आप ये गलत अपलाइन को सेलेक्ट करते हो और 2-4 महीने के बाद आपको पता चलता है मेरा स्ट्रक्चर तो मैंने गलत जगह पे लगा दिया, वहां पे आप कितनी भी मेहनत कर लो आपका ग्रोथ नहीं होता है, और फिर आपकी मजबूरी बनती है, आप कंपनी से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि वहां पे आपको कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। अगर पिछले 7 साल के अंदर हमने प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड की, इतने सारे डायमंड रैंक्स क्वालिफाई करवाए, उसके पीछे का कारण एक ही था, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था, हमारे पास मार्केट का एक्सपीरियंस था और हमने ग्राउंड लेवल पे जाके 7 साल काम किया, जिसके वजह से सैकड़ों लीडर्स डायमंड बने। लेकिन जब लीडर्स डायमंड बन रहे थे, हमेशा हमने उनको वार्न किया, एजुकेट किया कि आपके पास डायमंड का सर्टिफिकेट आ गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट है लीडरशिप का सर्टिफिकेट, आपको एजुकेट होना है, क्योंकि आपको लंबे समय के लिए काम करना है, आपके टीम को एजुकेट करना है, तो उसके लिए आपको लीडरशिप आपके पास होना बहुत जरूरी है। रैंक से कुछ नहीं होगा, तो रैंक तो हमें लक बाय चांस मिलते हैं। हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वहां पे माहौल बनता है और धीरे धीरे हम उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपके पास स्ट्रांग लीडरशिप है तो फिर आप रैंक कितनी बार भी खड़ी कर सकते हैं और हजारों लोगों की आप मदद भी कर सकते हैं रैंक बनाने, तो ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, डेली शाम को 9:30 बजे 9:30 से 11 डेढ़ घंटे का सेशन करेंगे, मार्केटिंग के प्लान को पीपीटी के माध्यम से, डैशबोर्ड के माध्यम से हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे कि कैसे कैसे हम कौन से प्लान से, हमारे पास टोटल कितने इनकम्स है। पहला इनकम हमारे पास लेवल इनकम है, दूसरा इनकम हमारे पास रैंक बोनस है, तीसरा इनकम हमारे पास इन्फिनिटी है, चौथा अब हमारे पास वर्ल्ड लीडर पूल आ गया, पांचवा इनकम हमारे पास लीडरशिप बोनस आ गया। तो ये सारे बोनसेस को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और विदाउट डायमंड रैंक, विदाउट इन्फिनिटी, हम मैक्सिमम पे आउट कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्राउंड लेवल पे हमारे पास जो नई टीम होती है, उन्होंने जस्ट काम शुरू किया, उनका पे आउट हम डायमंड बनने से पहले एक अच्छे लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। 90 डेज का प्लान बनाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे, और वो 90 डेज के अंदर हर लीडर 2.5 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकता है या मिनिमम 1 लाख के ऊपर के पे आउट पे कैसे जा सकता है, उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। अगर वो स्ट्रक्चर सारे लीडर्स को समझ में आता है तो उसके लिए बहुत आसान बन जाएगा कि मैं सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो मैं 90 दिन के अंदर 1 लाख के पे आउट पे चला जाऊंगा।
और जब आपके टीम के अंदर मैक्सिमम लोग 1 लाख के ऊपर के पे आउट पे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके टीम के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगी। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो बाजार का नॉलेज होना। अब हमने सोशल मीडिया का ट्रेनिंग देने वाले, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग देने वाले, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन सारे लोगों की टीम बनानी शुरू की है। 17 तारीख के बाद पहले तो हम संदीप गजर सर से शुरू करेंगे, पहले हम 200 से 250 लीडर की मीटिंग करेंगे, उसके बाद 50-50 लोगों की बैच बना के ट्रेन द ट्रेनर स्टार्ट करेंगे। यानी कम से कम 150 से 200 लीडर्स को हम ट्रेनर बनाएंगे अगले 2-3 महीने के अंदर, और यही 150-200 लीडर्स होंगे जो पूरे इंडिया को लीड करेंगे। इसके पीछे आपका कोई खर्चा होने वाला नहीं है, बस आपको उस होटल में रहने के लिए जाना है, 2 दिन खाने का और रहने का खर्चा आपको आएगा मिनिमम, उसके बाद आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग फ्री मिलेगा। ट्रेन द ट्रेनर इतना पावरफुल प्रोडक्ट होगा कि हमारी सबकी लाइफ बदल देगा, और हम फिर हजारों लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। तो एकदम प्रॉपर सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे प्रोफेशनल मार्केटिंग टीम के साथ मेरी बात चल रही है, जो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग देते हैं, जो क्रिप्टो बाजार के बारे में प्रॉपर बेसिक नॉलेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रिप्टो का प्रोडक्ट है, और हमारे पास अगर क्रिप्टो का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हम मार्केट में जाके लोगों के साथ जब बात करते हैं तो उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता। कोई भी आदमी कब इंप्रेस होता है, जब आप उसको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डीप में जाके बात करते हो, तब जाके वो आदमी आपके प्रति इंप्रेस होता है और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट परचेस करता है। लेकिन जब हमारे पास किसी इंडस्ट्री का डीप में नॉलेज नहीं होता है, किसी प्रोडक्ट का डीप में नॉलेज नहीं होता है, तो लोगों को उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जिसकी वजह से हमें बिजनेस नहीं मिलता। तो हमारे पास क्रिप्टो का पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। हमारे बीच में अजीम राणा सर है, वो अभी डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, डेली अपने फोटोज डालते ग्रुप के अंदर। अब वो प्लैटिन वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, लेकिन जब वो प्लैटिन वर्ल्ड में काम करना शुरू करेंगे तो उनका ग्रोथ तेजी से बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑफलाइन जो कम्युनिटी है उसके अलावा एक कम्युनिटी उनको ऑनलाइन भी मिल सकती है, और जो ऑनलाइन कम्युनिटी होती है वो लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी होती है। यानी आप जब MLM में आ गए तो 2 टाइप से आप आ सकते हैं, एक तो आप फोर्सफुली आ सकते हैं, किसी ने आपको मजबूरन कन्विंस करके लाया, और दूसरा आप सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको चीज समझ में आ गई, आप खुद MLM में आ गए। तो जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते तो वहां पे आपके ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब आप फोर्सफुली आते हैं तो आप कभी भी वहां पे एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट को समझने में समय लगने वाला है, मार्केटिंग समझने में समय लगने वाला है, और आपका इंटरेस्ट भी नहीं उस चीज के अंदर। लेकिन जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते तो वहां पे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा होते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे पूरे प्लानिंग करेंगे, ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि अपना अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, गलत स्ट्रक्चरिंग करनी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका मिल रहा है हमको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लंबे समय के लिए काम करने का। और हम सब लोग अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिन रात एक करेंगे। मैक्सिमम लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस कैसे हो सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। शायद हो सकता है अगले 5 साल के अंदर हम लोग एक नया इतिहास बनाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर MLM में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर कहां पे है तो प्लैटिनम वर्ल्ड पे। और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से पॉसिबल होगा। इंडिया के सारे ट्रेनर्स को हम हायर करेंगे, बैचेस बनाएंगे, जहां से हम यहां से आगे बढ़ने वाले, और पूरी की पूरी हम कोशिश करेंगे कि हर स्टेट के अंदर एक स्ट्रांग टीम हमारे पास बन जाए, जिससे वहां पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। बहुत बार कई चैलेंजेस आते हैं, जैसे हमने देखा पिछले 2-3 साल के अंदर कि जब भी हम दिल्ली में ट्रेनिंग करते थे तो महाराष्ट्र से लीडर्स दिल्ली नहीं आ पाते थे, साउथ से लीडर्स दिल्ली नहीं आ पाते थे, मध्य प्रदेश से लीडर्स दिल्ली नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए बहुत चैलेंजेबल होता था। लेकिन अगर हमारे पास स्टेट वाइज अगर स्ट्रांग लीडर्स की टीम है तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि वो स्टेट के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पर मंथ प्रोवाइड किया जाए, ताकि उस स्टेट के सारे लोग उस कैपिटल सिटी में पहुंचे और उनको ट्रैवलिंग करने के लिए ज्यादा समय ना लगे, उनका खर्चा ना ज्यादा हो, उनका समय बचे, और वहां पे मैक्सिमम लोगों को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। 2024 के अंदर हमारा पूरा फोकस होगा एजुकेशन सिस्टम पे, और एजुकेशन से ही हम लीडर्स को इतना स्ट्रांग करेंगे कि जब आप मार्केट में जाएंगे 50-100 लोगों के सामने माइक लेके खड़े हो जाएंगे, तो जब आप क्रिप्टो से शुरुआत करेंगे तो लोग आपको सुनने के बाद ताजुब होंगे, यार वाकई में कोई ऐसे पर्सन को हम सुन रहे हैं जिसके पास क्रिप्टो का बेहतरीन नॉलेज है। और उसके बाद लोग नहीं बोलेंगे भाई हमारा, हमें प्रोडक्ट बताओ, हमें मार्केटिंग प्लान बताओ। जब आपने क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज देके उनको इंप्रेस किया, जैसे अभी हमने एक डेफिन का वीडियो देखा,
वो हमारे देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन डीसीएक्स। वो अपने खुद के प्रमोशंस के लिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। वो एक अच्छे लीडर्स को हायर करते हैं, स्पीकर्स को, और उनके माध्यम से वीडियोस बनाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो और जाके कॉइन डीसीएक्स पे अकाउंट बना ले। तो ऐसे ही हमें अपने टीम के अंदर लोगों को गाइड करना, एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना, ये हमारी जरूरत है ताकि हम आसानी से बिजनेस को कर पाएंगे। तो एजुकेशन के ऊपर ही हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा और इसी महीने से हम एजुकेशन की शुरुआत करेंगे और बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एलेक्स सर बहुत ज्यादा बिजी है, वो बैकएंड के अंदर नए प्रोडक्ट को लेके, सारी सिस्टम को लेके काम करे। उनका टारगेट है, उनको 17 तारीख को हाउ एनी कंडीशन डेफी का प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। वो 24 घंटे में से 18 घंटा काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के। तो ये पूरे दुनिया के अंदर तूफान मचाने वाला है, पूरी दुनिया दोबारा एक बार हिलने वाली है जैसे 2022 के शुरुआत में हुआ था। और एक बहुत बड़ा मौका हम सबके पास है प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अगले 2 साल इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा पैसा कमाने का। मजबूरन लोग हमारे पीछे लाइन में खड़े होकर पैसे लगाने वाले हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि लोग डेफी का प्रोडक्ट प्लेटिनम रोड में आने से आने वाले या किसी और चीज से आने वाले। डेफी का प्रोडक्ट आने से कोई नहीं आने वाला, लेकिन अगले 24 महीने के अंदर पूरे दुनिया के अंदर क्रिप्टो बाजार में ही तलका मचने वाला है। दुनिया का हर अंधा आदमी क्रिप्टो में पैसे लगाने के लिए तैयार होने वाला है जिसके पास क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है। हर आदमी लालची बनने वाला है, हर कोई बिटकॉइन का ETF परचेस करने वाला है, हर कोई डेपी के प्रोडक्ट परचेस करने वाला है। तो बहुत बड़ा पैसा मार्केट में आने वाला है अगले 2 साल के अंदर, और यही 2 साल के अंदर आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। अगले 2 साल का आपका इनकम, आप पूरी जिंदगी भर MLM करोगे तो भी शायद आप मैच नहीं कर पाओगे। ये ऊपर वाला आपको मौका देने वाला है, ये इंडस्ट्री आपको मौका देने वाली है। आज से 14 साल पहले 2008-09 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो उसकी वैल्यू 10 सेंट से शुरू हुई थी। अगर आज आपको दोबारा मौका मिलता है बिटकॉइन को 10 सेंट में खरीदने का तो हम क्या क्या करेंगे? मान लो किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ना कोई उसके पास प्रॉपर्टी है गिरवी रखने के लिए, ना उसके पास गोल्ड है, कुछ भी नहीं है, और उसको बिटकॉइन समझ में आ गया 14 साल में और आज उसको 10 सेंट में मिल रहा है, वो क्या करेगा? वो शायद किसी हॉस्पिटल में जाके अपने ऑर्गन बेचने की कोशिश करेगा और पैसे उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कितने बड़े पैसे बना सकता हूं क्योंकि मुझे बिटकॉइन 10 सेंट में मिल रहा है। तो जब ये वैल्यू आपको समझ में आएगा तो वहां पे आपका पैसा बनेगा, और यही वैल्यू अगले 2 साल में आपको मिलने वाला है। आप ये समझ लो कि अगर अगले 2 साल आप क्रिप्टो बाजार में हैं तो 14 साल पहले का बिटकॉइन आपको 10 सेंट में मिल रहा है। अगर अगले 2 साल आप क्रिप्टो बाजार में नहीं है तो आपको 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ के भाव में बिटकॉइन मिलेगा 2025 के बाद। यानी मार्केट को आप जिस तरह से मार्केट है उस तरह से आपको समझना नहीं है। अगर 14 साल पहले आप मार्केट में होते तो 10 सेंट के वैल्यू का बिटकॉइन आपके पास होता, लेकिन अगले 2 साल अगर कोई मार्केट में होगा और उसके बाद जब लोग आएंगे तो बोलेंगे काश मैं 2 साल पहले मार्केट में होता तो मेरी भी जिंदगी बदल जाती, मेरी भी जिंदगी बन जाती। ये 2 साल क्रिप्टो बाजार के लिए, बिटकॉइन के लिए सबसे वैल्यूएबल है, न भूतों न भविष्य की, ना ये दोबारा आने वाले कभी जिंदगी में। जिनके जिंदगी में 2008 और 9 और 10 आ गया, जिन्होंने बिटकॉइन को 2011-12 के पहले परचेस किया, वो समय आप दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। और 2024 और 2025 फिर दोबारा क्रिप्टो बाजार में किसी के जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं। ये 2 साल के अंदर जो लोग क्रिप्टो बाजार में पैसे कमाएंगे वो दोबारा जिंदगी में कभी भी इतने बड़े पैसे नहीं बना पाएंगे। इसके बाद आपको बिटकॉइन इतने आसानी से कभी भी नहीं मिलेगा, ओपन मार्केट के अंदर कंपटीशन हो जाएगा, सैकड़ों बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में आएगी, बिटकॉइन के ETF बेच रही होंगी और आपका कंपटीशन खड़ा हुआ होगा। और बहुत आसानी से आप अगले 2 साल के अंदर पैसा बनाने वाले इस बाजार के अंदर, और पैसा आपका सिर्फ वही बनेगा जब एक पावरफुल कंपनी के साथ आप खड़े हो। कोई पोंजी स्कीम के साथ आपका पैसा नहीं बनेगा क्योंकि वो पैसा लेके भाग जाएंगे, आपको पैसा कमाने नहीं देंगे। एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म पे आपका पैसा बनेगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगले 2 साल हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हम सोच भी नहीं सकते इतने पैसे का हम क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा पैसा हमारे हाथ में लग सकता है। और पिछला साल हमारे सामने एग्जांपल है, 2022 में हमने जो पैसा देखा वो हमारी जिंदगी में इसके पहले कभी नहीं आया था, और इससे कहीं गुना बड़ा पैसा 2024 और 25 में हमारे पास आ सकता है। और हमारा नसीब अच्छा है कि 2024 शुरू होने से पहले ही हमारे पास इतना स्ट्रांग प्रोडक्ट आ रहा है और हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करने को मिल रहा है जहां से हम दोबारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आज आप डायमंड है
और आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे लेवल में अच्छे लीडर्स नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे कितने साल भी काम करो आप कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको अभी मौका मिल रहा है प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करने का, और हो सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर दोबारा आप डायमंड क्वालिफाई करेंगे, तो उस वक्त कंपनी का 100 से ज्यादा कंट्री में बिजनेस चल रहा है और 100 कंट्री के लोगों का टोटल टर्नओवर का पैसा आपके बैंक में आ रहा है, आपके डैशबोर्ड पे आ रहा है, तो आप कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 7 साल के अंदर ये पूल हमारे पास कभी नहीं था। जर्मनी के लोग काम कर रहे हैं, यूरोप के लोग काम कर रहे हैं, जापान के लोग काम कर रहे हैं, साउथ कोरिया के लोग काम कर रहे हैं, एशियन कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं, और वो सारे लोगों से पैसा इंडिया में आपके पास आ रहा है क्योंकि आप डायमंड है। यानी जो रेवेन्यू जनरेट होगा 2024 में प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो इंडियन मार्केट के अंदर एमएलएम में तहलका मचा देगा। 25 साल से जो कंपनियां इंडिया में काम कर रही है उन कंपनी के किसी भी लीडर्स के पास इतने बड़े पेआउट्स नहीं होंगे। जितना बड़ा पेआउट आपका प्लैटिन वर्ल्ड में बन सकता है वर्ल्डपूल से, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने करोड़ के पेआउट आपके हाथ में आ सकते हैं। आज हमारे पास एक सही प्रोडक्ट, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करने का परमिशन मिल रहा है, ये हमारा नसीब है, और हम ऐसे मार्केट के अंदर आप एंट्री करने वाले हैं जो पूरे दुनिया के अंदर तूफान लाने वाला है, और अगले 2 साल पूरे दुनिया में क्रिप्टो बाजार में ही तूफान आने वाला है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ हम मार्केट में खड़े हैं। अब ये अगले 2 साल आप जो पैसा आपके पास आने वाला है उस पैसे का आप क्या करने वाले हैं उसका आपके पास तैयारी होना भी जरूरी है। आपका एक डायरी के अंदर आपका एक खुद का एक प्लान होना बहुत जरूरी है कि आप ये पैसे के साथ आप क्या करने वाले। अदरवाइज पिछले साल भी हमारे पास बहुत बड़े पैसे आए लेकिन हम उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारे पास समय है, वो पैसा आने से पहले हम उसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं। हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले 2 साल में जो आप पैसा बनाएंगे हो सकता है पूरी जिंदगी भर के लिए आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देंगे। आप पूरी जिंदगी भर आराम से बैठ के खा सकते हैं, इतना पैसा आपके पास हो सकता है, और ये सिर्फ 2 साल के अंदर हो सकता है। यानी ये 2 साल 24 घंटे हमने दिन रात एक किया तो पूरी जिंदगी हमारी बदल सकती है। एक क्रिकेटर का करियर कितने साल का होता है, कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन उसका करियर कितने साल का होता है, लेकिन आप धोनी का नेटवर्क चेक कर लो, आप विराट कोहली का नेटवर्क चेक कर लो, आपको 10 जन्म लेने पड़ेंगे उतना बड़ा पैसा बनाने के लिए। लेकिन जब वो करियर उनका स्टार्ट होता है तो उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और उतने समय के अंदर उतना बड़ा पैसा बनाते हैं। यही अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। विराट कोहली से भी बड़ा पैसा बन सकता है, धोनी से भी बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अगले 2 साल 24 घंटा ही करना पड़ेगा। आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा, लोगों के शादियों से दूर रहना पड़ेगा, फेस्टिवल से दूर रहना पड़ेगा, तब आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठ के खा सकती। तो ये सैक्रिफिकेशन ही आपको एक बड़ा अचीवमेंट दे सकता है। पिछले 7 साल के अंदर हम परिवार से दूर रहे, हमने कोई फेस्टिवल्स घर में अटेंड नहीं किए, कोई शादियां घर में अटेंड नहीं की, जिसकी वजह से हम इतना बड़ा अंपायर बना पाए। तो ये अगले 2 साल हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत सीरियस लेना है। बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है कि मेरे अपलाइन अच्छे नहीं थे, अब मैं किसी अपलाइन को ढूंढूंगा। आप अपने अपलाइन टू अपलाइन टॉप लीडर्स तक पहुंच सकते हैं, हमारे सबके नंबर्स आपके पास है, आप बिल्कुल भी गलती का शिकार नहीं बनेंगे। आपकी काउंसलिंग होगी, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और हम सब लोग मिलकर एक टीम का हिस्सा बनकर काम करेंगे। जितनी स्ट्रांग टीम हमारे पास होगी उतना बड़ा बिजनेस हमारा होगा और उतने ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हमारे टीम में होंगे। इसलिए बिल्कुल भी आपको अपने टीम को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपलाइन को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपके डाउनलाइन को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप कोई भी गलत डिसीजन ले रहे हैं उसके पहले आप 2-4 अपलाइन को फोन कर सकते हो। कोई भी टॉप अपलाइन आपके पास है, किसी भी अपलाइन को आप कॉन्फ्रेंस कॉल में ले सकते हो। 24 घंटे में से 18 घंटे मैं खुद अवेलेबल हूँ। मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ। 6 घंटे के अलावा आप मुझे कोई भी टाइम पे आप फोन कर सकते हो, किसी भी लीडर को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले सकते हो आपके अपलाइन टू अपलाइन। और ये अगले 1 साल सेम शेड्यूल में हम काम करेंगे। आप 12 बजे सो रहे हो, आपको 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे हमारा सुबह जूम कॉल स्टार्ट हो जाएगा, फिर रात को हम जूम कॉल करेंगे क्योंकि अगले 2 महीने के बाद ही हम जूम से वेबिनार में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें पता है पिछले साल 1,000 लोगों का हमारा जूम का कैपेसिटी अगले 2 मिनट में पहले फुल हो जाता था। लोग रिक्वेस्ट करते थे सर जूम फुल हो चुका है, हमें एंट्री नहीं मिल रही।
और वो समय आप बहुत जल्दी आएगा और हम इमीडिएटली उसको वेबिनार में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेस हम आप प्रोवाइड करने वाले टीम के लिए, तो जहां पे लोगों को एजुकेशन मिलेगा, ऑफलाइन मीटिंग्स भी होगी, ऑनलाइन मीटिंग्स भी होगी, और मैक्सिमम हम लोग जितना ज्यादा कोशिश कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, सबको ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसी मिल सकती है, इन सारी चीजों के ऊपर हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो सुबह का सेशन है आप अगले कुछ दिन के लिए हो सकता हम रात को रखेंगे, या फिर मैं कुछ लीडर्स यहाँ पे सजेशन लूंगा क्या मॉर्निंग का सेशन हमारे लिए सही है, क्योंकि मॉर्निंग में हमेशा मैं देखता हूँ कि लोग थोड़े कम हो जाते हैं और रात को लोग थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में लोगों को घर से बाहर निकलना होता है, बहुत सारे सुबह उठ के काम होते हैं जिसके उसे हो सकता है, और कई बार तो क्या होता है कि लोग सुबह के सेशन में जूम पे तो दिखते हैं लेकिन बैकएंड में उनके कोई काम चल रहे होते, राइट, वो मोबाइल पे है, उन्होंने अपना ऑडियो ऑन किया है और वो सुन रहे हैं और उनका ध्यान किसी और काम में है। तो ये पूरे साल भर भी आप सुनोगे, पूरी जिंदगी भर आप सुनोगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। जब तक आप वो दो घंटे, एक घंटा, डेढ़ घंटा एक जगह पे पेन और पेपर लेके नहीं बैठते, अपना वीडियो ऑन नहीं करते और आपका मोबाइल साइलेंट पे ना हो, तभी आपको उसका बेनिफिट बनेगा। आप सिर्फ आप जूम पे बैठे हो, आपने ऑडियो ऑन किया है, आप सुन रहे हो और किसी काम में बिजी हो, आपको सुनने में मजा आएगा लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके काम पे कभी नहीं आएगा। लेकिन आप सारे काम को बाजू में छोड़ के पेन और पेपर लेके वीडियो ऑन करके बैठते हो तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगले कुछ ही दिनों में। जितने भी लीडर्स को आप पिछले एक साल से देख रहे हैं जूम के ऊपर, जो वाकई में सीरियस है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आज उन्हीं के पास रिजल्ट्स है। आज वही लीडर्स खड़े हैं मार्केट के अंदर इतने चैलेंजेस के बाद, आज वही लीडर लोगों की काउंसलिंग कर पा रहे हैं, और ये हर किसी के साथ हो सकता है। हर कोई इंसान, हर कोई लीडर अपने मिस्टेक से सीख सकता है। अगर पिछले दो साल के अंदर हमने जूम से बिजनेस स्टार्ट किया और हमें सबको पता है कि आने वाला समय आप जूम का है, अगले पांच साल, अगले दस साल, अगले बीस साल, अगले पच्चीस साल जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो आने वाले समय में जब आप बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे तो आपके पास दो चीजें होगी, एक आपके पास लैविश घर होगा और एक आपके पास लैविश ऑफिस होगा। आप सुबह उठेंगे और आप अपने दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पे आपके पास एक बड़ी स्क्रीन होगी, 5-10 लाख का सेटअप होगा और वहां बैठ के आप पूरा दिन पूरे इंडिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर आप लोगों को प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को क्या लगता है, ये तो झोला छाप लोगों का काम है। एक बैग ले लो जो 5 साल से हमारे गले में है, सुबह उठो, मार्केट में निकलो, लोगों के ऑफिस चले जाओ, लोगों के घर चले जाओ, लोगों को किसी नाके पे बुलाओ और प्लान दे दो। वो नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड खत्म हो चुका है। आप घर से निकलते, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज में बैठते, आप अपने ऑफिस जाते हैं और पूरा दिन आप अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हो और आपका लाखों लोगों का नेटवर्क आप किसी को मिलते नहीं, और फिर साल में जब बड़े इवेंट्स होते हैं दुबई में, इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में, तब आप जाके लोगों को फिजिकली मिलते हैं, या इंडिया में कोई बड़ा ट्रेनिंग सेशन आप कर रहे हैं तब जाके आप अपने लीडर्स को मिलते हैं, और बाकी के समय पे आप अपने ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर बैठ के पूरे इंडिया को लीड कर रहे होते हैं। जहां आपका समय बचता है, आपको अपने खुद के ऊपर काम करने को मौका मिलता है, आप मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंच जाते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा आपके टीम को बेनिफिट मिलता है। आज सुबह उठ के जब हम जूम पे बैठे हैं तो हिंदुस्तान के हर स्टेट का यहाँ पे कोई ना कोई लीडर होगा, हर शहर का कोई ना कोई लीडर होगा। क्या ये संभव है हम एक दिन के अंदर इतने सारे लोगों को फिजिकली मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने की कोशिश करो, अपने घर के साथ साथ एक बढ़िया दफ्तर बनाने का प्लान करो जहां पे आप बैठ के शांति से काम कर सकते हैं, और यही हमारा आने वाला फ्यूचर है। आने वाले 10-20-25 साल अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो आपको इसी स्ट्रैटेजी पे जाना पड़ेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना पड़ेगा, जिससे आप समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं और साथ में आपका काम का स्पीड भी कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन ये सारी चीजें अभी हम समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हम फिजिकल मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरी चीज, हमारे पास सफिशियंट पैसा नहीं है कि अगर मान लो आपने एक अच्छा ऑफिस बना लिया, एक अच्छा घर आपके पास है और आपने 2-3 लोगों को हायर कर दिया जो हाईली एजुकेटेड है, जो नए बच्चे जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, जो अभी अभी टेक्नोलॉजी सीख के मार्केट में आ गए। आज आप यूट्यूब पे जाके देख लो, यूट्यूब के ऊपर जितने भी लोग वीडियोस बना रहे डिजिटल मार्केटिंग के, एफिलिएट मार्केटिंग के, आपको कौन मिलेंगे वहां पे? 20-22-25-30 साल के लोग मिलेंगे सारे के सारे, और जो लाखों लाखों करोड़ रुपया महीने का कमा रहे बैठ के, वो कहीं जाके नौकरी नहीं कर रहे, वो मार्केट में जाके कोई चीजें नहीं बेच रहे, वो सिर्फ अपने घर पे, अपने ऑफिस में बैठे वहां से डिजिटल कोर्सेज जनरेट कर रहे, लोगों को वहां से ट्रेनिंग कर रहे
लोगों को वहां से वीडियोज भेज रहे हैं और वहां से पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों को आप हायर करोगे, आज जितनी भी कंपनी, जैसे अजीम राणा सर जो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया है, वहां पे 500-500 लोगों की बैच है, वो 500 लोगों में कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ग्रास्पिंग पावर है, हमसे कई गुना ज्यादा है। आप एक आईफोन लेके या कोई भी एक एंड्रॉयड फोन नया लेके घर पे चले जाओ और बच्चे के हाथ में दो, वो बच्चा आपको सिखाएगा ये फोन कैसे काम करता है, और आपको 8 दिन लगेंगे उस फोन को समझने के लिए। तो उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है टेक्नोलॉजी की, वो हमसे कई गुना ज्यादा होती है। तो अगर आपने एक, मान लो जस्ट मिनट, तो अभी हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, और जब आपके पास सफिशियंट पैसा होगा, आप एक बड़े पे आउट पे होंगे, आपका 25-50 लाख रुपए का पे आउट होगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का पे आउट होगा, तो आप उस लेवल पे जा सकते हैं जब लोग आपको पूछेंगे आप कहीं फ्लाई कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपका कार्ड ही बोलेगा आपको, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह ताकत कब आएगी, जब आपके पास हर चीज का नॉलेज होगा, आपके पास एक स्ट्रांग लीडरशिप होगी, आपका एक बड़ा पे आउट होगा, तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा। आज हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, पिछले साल ऊपर वाले ने हमको मौका दिया था और मैंने पहले दिन से सबको वार्न किया था कि हमें इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है तो हमें टेक्नोलॉजी का फायदा लेना है, हमें एजुकेशन को सीरियस लेना है, क्योंकि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी आपको लंबे समय के लिए साथ देने वाली, और फिर दोबारा हमें उन्हीं चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर से दोबारा हमारी शुरुआत हो रही है, फिर से हमें मौका मिल रहा है, और अगले 1-2 साल के अंदर अगर हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं तो आप सिर्फ 2 साल के लिए मजबूत नहीं बन रहे, आप पूरे लाइफ के लिए मजबूत बन रहे हैं। और बहुत सारे लीडर्स ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लाइफ का पार्ट बन चुका है, आपके अगले जनरेशन इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। आज से 20 साल पहले विनोद स्वामी सर आए, आज से 20 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। अब मेरे परिवार के अंदर जितने भी बच्चे हैं, अगर वो मुझे पूछते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, तो मैं उनको एक ही बोलता हूं, आपको नेटवर्कर बनना चाहिए। क्योंकि वो ये देखते हैं कि हमारे पूरे खानदान के अंदर सबसे अच्छी लाइफ अगर किसी के पास है तो वो मेरी तरफ देखते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि काश हमारी भी जिंदगी में आने वाली ऐसी हो, तो कैसे बनेगी, कहां से बनेगी, नेटवर्क मार्केटिंग करने से बनेगी, कभी नौकरी करने से नहीं बनने वाली है, कभी छोटे मोटे बिजनेस करने से नहीं बनने वाली है, क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस के अंदर आप लाखों रुपए तो कमा लोगे लेकिन आपकी पूरी जिंदगी उसी दुकान में चली जाएगी, कभी आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगा। आज ऐसे कितने बिजनेसमैन हैं जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो लाखों रुपया महीने का कमाते हैं, उनके पास अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, उनके पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं है, पैसा तो कमा रहे लेकिन उस पैसे का वैल्यू क्या है। हर गली मोहल्ले के अंदर आपको एक बिजनेसमैन दिखाई देगा, वो 14 घंटा उस दुकान के अंदर बैठा है, जब से उसने दुकान खोला पिछले 25-50 साल से, तब से लेके अभी तक वही बैठा हुआ है, और उसकी अगली पीढ़ी भी वही बैठने वाली है, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो सबसे बड़ा फ्रीडम आपको जिंदगी देती है तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस दे, जहां पे आप पैसा भी कमाते हैं, जहां पे आपके पास टाइम फ्रीडम भी होता है, और आपको पूरी दुनिया में ट्रैवल करने का भी मौका मिलता है। तो ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आने वाली है, और हमारा सबका नसीब अच्छा है कि हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है वो नई जनरेशन को अट्रैक्ट करने वाला प्रोडक्ट है। मैक्सिमम नई जनरेशन को हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। अगर हमने 110 यूरो का फार्म अगर यंगस्टर्स को बेचना शुरू कर दिया और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अगर ग्रैप किया, तो हमारा नेटवर्क आने वाले 5 साल के अंदर एक एक लीडर का नेटवर्क 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ की टीम बन सकती है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पे आउट नहीं, टीम बन सकती है हमारी 5-5 करोड़ लोगों की। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने का अगर आप इतिहास रचोगे तो हिंदुस्तान में रच सकते हो एज ए लीडर। अगर आप चेक करोगे कि एक कंपनी ने 50-70 साल में पूरे दुनिया में कितना बड़ा नेटवर्क बनाया, उससे बड़ा नेटवर्क आप इंडिया में बना सकते हो अकेले एज ए नेटवर्क। ये इंडिया का पोटेंशियल है और आने वाला समय का पोटेंशियल।
हमारे देश के अंदर मोर देन 50% पॉपुलेशन बिलो 30 ईयर्स है, यानी 140 करोड़ की आबादी में लगभग लगभग 70 से 80 करोड़ आबादी 30 साल के नीचे, और 70 80 करोड़ में से अगर आपने 50 लाख 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना दिया अगले 5 साल अगले 10 साल के अंदर, तो आप कौन सी कैटेगरी में पहुंच जाएंगे? दुनिया के पहले 5% लोगों में आप पहुंच जाएंगे अगले 5 साल के अंदर। तो ये पोटेंशियल नेटवर्क मार्केटिंग का है और ये पोटेंशियल इंडिया के अंदर है, और हम राइट जगह पे है, राइट टाइम पे, और राइट प्रोडक्ट के साथ है, राइट कंपनी के साथ है, जहां पे हमारा करियर अगले 5 साल के अंदर इतने तेजी से ऊपर उठ सकता है कि लोग सोचेंगे वाकई में आदमी नसीबवान था जिसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि हम राइट टाइम राइट जगह पे, और यही एक हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जहां से हम एक बड़ा करियर बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर अब बहुत ब्राइट है। आज भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे, लेकिन 50 60 साल 70 साल पुराने कल्चर के साथ वो टूथपेस्ट साबुन शैम्पू की कंपनी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अगर आज आपको कोई बोलेगा बैलगाड़ी में बैठ के ट्रैवलिंग करो, घोड़ा गाड़ी में बैठ के ट्रैवलिंग करो, 3 पहिए के रिक्शा में बैठ के ट्रैवलिंग करो, कौन बैठना चाहेगा? सबको बुलेट ट्रेन चाहिए, सबको हवाई जहाज चाहिए, सबको ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज चाहिए। तो जो स्मार्ट वर्क करेंगे वो बुलेट ट्रेन के बारे में सोचेंगे, हवाई जहाज के बारे में सोचेंगे, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज के बारे में सोचेंगे। लेकिन जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, जिनकी एंट्री जहां से हो रही है, उनको वहां से बाहर निकलने में 1-2 साल लगेंगे, क्योंकि हर कंपनी में हर लीडर्स की हर टीम की काउंसलिंग की जाती है कि आपको अपना करियर करना है तो ऐसे कंपनी में करना है जो कंपनी बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल कंपनी के साथ आप सर्वाइव हो सकते हैं, जी सकते हैं, आपका राशन का पैसा आ सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, आपके बच्चों की स्कूल की फी हो सकती है, उसके ऊपर आपके सपने कभी नहीं पूरे हो सकते, क्योंकि वहां पे आपको उतना बड़ा ग्रोथ मिलेगा ही नहीं। आपको एडवांस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जाना पड़ेगा, एक पावरफुल कंपनी के साथ आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। और हम सब लोग नसीबवान है कि हम उस कंपनी का हिस्सा है, उस इंडस्ट्री का हिस्सा है, जो हमारे पास एक एडवांस प्रोडक्ट है जहां से हमारा करियर बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। तो अभी हम अगले 5-10 मिनट एक पोल करेंगे कि शाम को 9:30 बजे हमारा सेशन सही रहेगा या मॉर्निंग में 7:30 बजे सही रहेगा। तो पहले तो कितने लीडर्स हैं जो सुबह 7:30 बजे के लिए तैयार है, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओनली 7:30 बजे मॉर्निंग, हैंड रेस वीडियो में नहीं करना है आपको, जिनको मॉर्निंग सेशन परफेक्ट लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, 7:30 बजे 7 बजे हम लोग उसको शुरू करेंगे। यानी 50% से ज्यादा हमारे पास पोल है, 50% से कम पोल है हमारे पास। ओके, अब मैंने सबके हैंड डाउन किए, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि रात को 9-9:30 बजे का समय सही है, सारे लीडर्स अपने घर पे आ जाते हैं, आराम से हमारे पास टाइम होता है और हम आराम से घर पे बैठ के अगले 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आराम से अच्छी नींद आएगी, सुबह उठ के मार्केट में काम पे लग सकते हैं। क्योंकि पूरा दिन जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव बातें सुनते हैं, उसके बाद फर्स्ट एड होकर घर पे आते या एक्साइटमेंट के साथ घर पे आते हैं, और जब हम रात को डिस्कशन करते हैं तो फिर हम एक फ्रेश मूड के साथ भी सो सकते हैं, और फिर सुबह उठ के फ्रेश मूड से हम काम पे भी लग सकते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर वही लोग ज्यादा सक्सेस है जो रात को टाइम पे सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है पूरे दिन में काम करने का। और जब हम सुबह उठ के जूम पे बैठेंगे, 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे बिजी रहेंगे, फिर उसके बाद तैयार होने में जल्दीबाजी करेंगे, फिर लगेगा यार नहीं लेट हो गया, वहां पे पहुंचना था, यहां पे पहुंचना था, तो फिर क्या होता है कि हम पूरे दिन भर के लिए ब्लैंक हो जाते। तो हमेशा जो सक्सेस लोग हैं वो दिन की तैयारी रात को करते सोने से पहले, कल मुझे क्या करना है, और जब वो रात को तैयारी करके सोते हैं तो उनका पूरा दिन अच्छा जाता है। दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में हमारे कई सारे काम होते हैं, फैमिली को टाइम देना होता है, हर घर के अंदर बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, उनको तैयार करना होता है, या खुद के कुछ पर्सनल काम होते वो सारे करने होते, और रात को 9 बजे के बाद हमारे पास कोई काम नहीं होता,
क्योंकि हम सारे काम करके घर पे आए होते और खाना खाने के बाद सिर्फ हमारे पास एक ही काम होता है, कपिल शर्मा की कॉमेडी देखना या कोई पिक्चर देखना या फिर गाने सुनना या फिर कोई चैनल के ऊपर डिबेट सुनना। तो ये बेहतरीन टाइम होगा हमारे लिए रात के समय में, 7 से 8 के बीच में, 7:30 से 8:30 के बीच में हमारा एक प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 मिनट के अंदर उसको खत्म करना है। प्लान हमने दे दिया, कंपनी का प्रोफाइल बता दिया, एक या दो लीडर्स को इनवाइट कर लिया, उसके बाद सीधा जितने भी नए गेस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप अपने स्पॉन्सर को कॉल कर लो जिन्होंने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया, और उनसे डिटेल में सारी चीज़ें समझ लो। प्लान खत्म हो गया हमारा, क्योंकि हमेशा जो नए लीडर्स या नए गेस्ट आपके फिजिकल मीटिंग में भी आते हैं या जूम के ऊपर भी आते हैं, वो 40 मिनट से ज़्यादा आपको कभी झेल नहीं पाएंगे। अगर आपको लगा कि यहाँ पे बोर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो इमीडिएटली रिमूव हो जाएंगे। जैसे कई बार हमारे फिजिकल मीटिंग में लोग बीच बीच में उठ के चले जाते हैं जब हम नया ओपन सेमिनार करते हैं, तो जो स्पीकर होता है उसको बुरा लगता है लोग जब उठ के चले जाते हैं बीच में से, और जो नए लोग होते हैं उनको चीजें समझ में नहीं आती, वो बोर हो जाते हैं और उठ के चले जाना शुरू करते हैं। तो जूम के ऊपर भी सेम स्टोरी है। जूम के अंदर आपका प्लान प्रेजेंटेशन जितना शॉर्ट होगा, 30-35-40 मिनट के अंदर आप उसको खत्म कर सकते हो, तो लोग वहां पे रुकेंगे उतना टाइम और उसके बाद वो एग्जिट हो जाएंगे। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि प्रोफेशनल लेवल पे हम चीजों को कैसे लेके जा सकते। तो हमारे पास 50-50 का रेशो है, 70 लोग हैं जिनको सुबह में सही लग रहा है, 70 लोग हैं जिनको रात में सही लग रहा है, और कुछ लोग हैं जो अभी भी सस्पेंस में हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा दोनों भी सही है या फिर दोनों भी हमारे कुछ काम के नहीं है। अब बताओ कॉइन का रेट कब बढ़ेगा? सो मैं यहाँ पे कुछ लीडर को इनवाइट करूंगा और उसके बाद फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे, तो उनके आप कुछ व्यू सुनेंगे हम। कौन कौन लीडर्स अपना व्यू रखना चाहेंगे अपना माइक अनम्यूट करके? ओके, सतीश कुमार सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। तो ये दो क्वेश्चन के ऊपर आपका व्यू रखना है आपको कि शाम को या सुबह। आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू। सर ये शाम वाला ही ठीक रहेगा रात को सर, क्योंकि हम सुबह ये होता है जल्दी जल्दी, कई बार सुबह का टाइम दिया होता है सर टीम को और जल्दी निकलना होता है, फिर हम इसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सर। और सुबह के जो आप बोल रहे थे बच्चों का तैयार होना, खुद का नहाना धोना, तो ये चीज चलती है सर। सुबह 6 बजे उठे तो 1-2 घंटा लग जाता है तैयार होने में, चलने में, करने में सर। और प्रॉपर प्लानिंग पे जब अगर ना पहुंच पाए तो यही हो रहता है सर, अगर वो एक प्लानिंग छूट गई सुबह से मूड खराब हो गया तो समझ लो सारा दिन खराब हो जाता है सर। तो मेरा तो यही विजन है सर, भी शाम के 9:30 बजे बैठे, चाहे उसके बाद 1.5 घंटा लगे 2 घंटा लगे, कम से कम अपनी सेटिस्फेक्शन होती है सर, उसके बाद आदमी निश्चिंत हो जाता है सर रात। मैं यही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना पोल रखने के लिए। आकाश राव जी आपका क्या व्यू है? आकाश भाई अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अच्छा एक मिनट। ओके, गलती से आपका हैंडेज हो गया, डाउन हो गया। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मेरी वॉइस ठीक है सर? परफेक्ट है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे आज सर, बड़ा अच्छा लग रहा है सर, पूरा विंडो एकदम बहुत पूरा फुल सा है सर, लैपटॉप का पूरा विंडो काफी देर। अभी 6 महीने के अंदर है ना, सारे बड़े प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे अपने अपने घर से, बोले बहुत माल आ गया और सबने अपना अपना बड़ा कंप्यूटर खरीद लिया है सर। मेरा तो मेरे जो अगर मेरे ओपिनियन की बात करें सर, जैसे अभी सर बोल रहे थे, आप भी बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में बिजी होते हैं सर, वो बिजी होते हैं जो शादीशुदा लोग होते हैं, उनको अपने बच्चों को तैयार करना होता है सर, हमारे लिए भी सोचो। तो मॉर्निंग का सेशन बहुत जरूरी भी है सर, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग के सेशन को इसलिए जरूरी है सर, उसका याद रहती है, उसके लिए जल्दी उठ भी जाते हैं सर, वरना पिछले कुछ दिन में सर मेरे को खुद को नहीं पता मैं टाइम में टाइम उठ जा रहा हूँ, टाइम में टाइम सो जा रहा हूँ। तो सर सेशन दोनों ही जरूरी है। हाँ, हम उनको ये कर सकते हैं, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि हम एक दिन गैप करके हम सेशन कर सकते हैं मॉर्निंग में, आज हमने मॉर्निंग में किया है तो आज रात को नहीं करेंगे, अगर हमने रात को किया तो कल को दिन में करेंगे, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं सर।
और क्योंकि हमारा प्लान तो डेली होगा ही होगा सर, तो दोनों ही जरूरी है सर, बस थोड़ा सा उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी बीच में क्या होने वाला है, हम अभी कई सारे ट्रेनर्स के साथ टाइप करने वाले, राइट, डिजिटल मार्केटिंग के लिए टाइप करने वाले, क्रिप्टो के ट्रेनिंग के लिए टाइप करने वाले, राइट। तो अभी डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी सर का एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उसके ऊपर अभी बात चल रही है कि सोशल जूम के माध्यम से वो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे फिजिकल के साथ साथ। तो जब उनका समय हमारे साथ मैच हो जाएगा, हो सकता है उनका हम रात को समय लेंगे या सुबह में समय लेंगे, तो फिर हम उसको अल्टरनेट अपनी मीटिंग को रखेंगे। क्योंकि हमारा जो लीडर्स मीट होगा ये लगातार चलने वाला अगले एक साल, क्योंकि पिछले एक साल से हमने इसको कंटिन्यू किया, जिसके वजह से मैक्सिमम लीडर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे, पूरे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, कौन से लीडर को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमें एक दूसरे को जानने को मिलता है, जिससे सबको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल हम उसको अल्टरनेट टाइम के अंदर ही प्लान करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम अभी अपने आप को बिजी रखना है जूम के ऊपर, राइट। तो सुबह शाम हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा सेशंस कर पाएंगे, एजुकेट कर पाएंगे सबको। ओके, तो ये आपका व्यू है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सूरज सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका क्या व्यू है सुबह शाम के ऊपर? अभी पीएलसी पार्टनर्स को नमस्कार, और जूम पे जो है इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा व्यू तो ये है कि अगर सुबह का हो तो 7 बजे हो जाना चाहिए, 8 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें जो है मार्केट के अंदर निकलना है। जितनी जल्दी मार्केट के अंदर निकलेंगे उतनी जल्दी हम शाम को वापसी आ पाएंगे, या फिर सुबह 7 बजे नहीं कर पाएंगे तो सर रात का बैठेंगे। क्योंकि जूम का मतलब होता है प्रॉपर वे में जो है हमें वहाँ सुनना और एक एक चीज को जो है अच्छी तरीके से जो है समझना। ये नहीं कि जूम को ज्वाइन किया और वीडियो कर दी और मार्केट के अंदर निकल गए, तो सर उसमें मजा नहीं आता। मोस्टली मैंने देखा है कि जितने भी कंपनी के लोग जूम के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशंस और ट्रेनिंग्स करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो मैक्सिमम कंपनी के लीडर्स रात को करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि सुबह का टाइम हमारा सबका फैमिली टाइम होता है, हमें अपने घर में कई सारी तैयारियां करनी होती है, राइट। तो मैक्सिमम लीडर्स सारे के सारे सेशन शाम को करते हैं, 7 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सी बड़ी कंपनीज वो रात को 11-11, 12-12 बजे तक अपने ट्रेनिंग सेशन डेली कर रहे जूम के माध्यम से। तो रात का समय हमारे पास सफिशियंट होता है, परफेक्ट टाइम होता है, हम कंफर्टेबल होते हैं, हमारे पास डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आपके पास बहुत सारे डर होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं और अर्जेंटली सुबह आपको कहाँ पे पहुंचना है। अब आपका फोकस वहां पे होता है, यार ये जूम कब खत्म हो जाएगा, मैं वहां पे कब पहुंच जाऊंगा। या कई बार तो क्या होता है, हम अपना ईयरफोन लगा लेते हैं, मोबाइल पे जूम चालू कर देते और अपने काम में लग जाते, तो इससे हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग सारे मीटिंग्स रात को करते हैं, जिसका कारण ही होता है कि लोग कंफर्टेबल होते हैं, लोगों के पास सफिशिएंट टाइम होता है और लोग एक जगह, क्योंकि 9 बजे के बाद आपको किसी को ज्यादा फोन नहीं कर पाते, आप किसी को मिलने नहीं जाते रात को, आप अपने घर में बैठे होते हैं और फिर एक आपका फोकस बन जाता है। तो देख लेंगे, दोनों चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे सुबह शाम। जी सर। रामनिवास सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू सर बोलने के लिए, मौका दिया आपने। वीडियो आप कर दो ताकि आपकी आवाज क्लियर आ पाएगी शायद। जी आप शायद ट्रैवलिंग में हैं, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है फिर से। सर मैं अनम्यूट ही हूँ। ओके अब हो परफेक्ट। तो मैं बोला सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी आवाज सुन ले वही बहुत है, चाहे सुबह हो शाम हो, लेकिन सबसे बढ़िया शाम को रहेगा सर, सुबह मॉर्निंग में। हकीकत में बहुत सारे लोगों को, मान लो ड्यूटी वाले लोग पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, वो भी नहीं सुन पाते हैं, तो रात को जो 9:30 बजे का सेशन है वो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें भी घर जाने की थोड़ी रहेगी जल्दी, की हमें मीटिंग अटेंड करनी है, तो हम टाइम से सो पाएंगे और हमारा टाइम वो टाइमली खत्म कर पाएंगे हम। तो सबसे बेस्ट 9:30 बजे वाला रहेगा, भले सुबह ट्रेनिंग सेशन हम 7 से 8 बजे का 1 घंटे का रख सकते हैं, जिसमें हम सिस्टम को सिखाने के, अगर जो एक्सचेंज वगैरह के बारे में सारी चीजों की जानकारी के लिए हम 1 घंटा रख सकते हैं, जिसको सीखना हो वो सीख सकते हैं या अपनी पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका सर टाइम है वो बेस्ट 9:30 बजे रात को होगा, वो बहुत बढ़िया रहेगा सर, क्योंकि सारे लोग घर पे रहेंगे और ड्यूटी करने वाले लोग भी घर पे आ जाएंगे, काम करने वाले लोग भी घर पे आ जाएंगे, तो सब लोग सुनेंगे।
ओके, ये भी अच्छा सजेशन है कि सुबह मॉर्निंग में हम एक छोटा टेक्निकल सेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जब अभी अभी हमारे पास डीपी का प्रोडक्ट आएगा तो डीपी के प्रोडक्ट के अंदर भी एक चैलेंज आ सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ब्लॉकचेन पे चलने वाला है और वहां पे जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपको पूरा उसके लिए अवेयर होना जरूरी है, एजुकेट होना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपका ट्रांजेक्शन अगर गलत होता है, वैसे तो ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन गलत नहीं होते क्योंकि एड्रेस के अंदर आप छेड़छाड़ करोगे तो एड्रेस आपका कभी भी लेता नहीं जब तक वो एड्रेस सही नहीं है, राइट। लेकिन बैंक के अंदर ऐसी गलती होती है, बैंक के अंदर मान लो एक अकाउंट नंबर आपको दिया और उसके अंदर आपने गलती से एक नंबर चेंज कर दिया तो वो पैसा किसी और के अकाउंट में जा सकता है उसी बैंक के अंदर, नंबर चेंज होने की वजह से। जैसे आपने 10 नंबर का मोबाइल डायल किया और उसके अंदर एक नंबर किसी का गलत डाल दिया तो मोबाइल तो लगेगा लेकिन किसी और को लगेगा। लेकिन ब्लॉकचेन पे ऐसा नहीं हो सकता है, ब्लॉकचेन के अंदर जब तक आपके पास वो पूरा एड्रेस नहीं है तब तक आप वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अगर मान लो आप एक ब्लॉकचेन का कोई भी एड्रेस को कॉपी पेस्ट करो और उसके तीन चार वर्ड को आप एडिट करो, उसके बाद आप उस ट्रांजेक्शन को करके देखो, वो आपका ट्रांजेक्शन होगा नहीं। लेकिन आप किसी और का एड्रेस कॉपी पेस्ट करोगे गलती से, कई बार तो क्या होता है कि हमारे डैशबोर्ड के ऊपर कई सारे मल्टीपल एड्रेसेस सेव हो जाते हैं और जब हम किसी को पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया लेकिन उसके पहले वो पिछला एड्रेस आ जाता है और गलती से आप बटन दबा देते हैं, आपका फंड चला जाता। तो ये जो टेक्निकल चैलेंज है इसके ऊपर हम लोग सुबह डिस्कशन कर सकते हैं या मॉर्निंग के अंदर हम एक सेलिब्रेशन का पार्ट रख सकते कि जितने भी लोगों के नए रैंक्स आ रहे हैं, जिनके भी पेआउट्स ग्रो हो रहे, राइट, तो इस तरह से कोई ना कोई एक मोटिवेशन का पार्ट रख सकते हैं। क्योंकि हमें मोस्टली जितने भी ट्रेनर्स है प्रोफेशनल उनके टीम के साथ काम करना है, उनके ट्रेनिंग्स को लेके आना है, तो उनके लिए भी हमें टाइम स्लॉट बनाना बहुत जरूरी है। ओके, हिमांशु जी आपका क्या व्यू है? हिमांशु आपको आवाज आ रही है? शायद हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। चलो सेशन को यहां पे क्लोज करना है, विनोद स्वामी सर को मैं बुलाऊंगा, उसके बाद सेशन को हम क्लोज करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा मानना ये है सर कि अभी हमारा जो नया स्ट्रक्चर है 17 तारीख से लग रहा है, तो अभी कोई व्यक्ति फील्ड में नहीं जा रहा है, तो इस चार दिन तो कंटिन्यू हम और आप सुबह भी रहेंगे और शाम को भी रहेंगे, लेकिन आफ्टर 17 के बाद हर व्यक्ति फील्ड में निकलना चालू हो जाएगा। तो सुबह एक घंटा एज ए मोटिवेशनल एज ए ट्रेनिंग पार्ट हमारी टीम में जो एक्टिव लीडर है वो करेंगे, बाकी हम आप डेली शाम को रहेंगे 9 बजे से 11 बजे, मेरे लिए परफेक्ट टाइम है, मतलब 9 से ज्यादा भी लेट नहीं करना, 9:30 बजे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, फिर लोगों की हैबिट है वो 9:45 बजे तक आते हैं, तो एग्जैक्ट 9 बजे हम लोग मीटिंग चालू करेंगे और 11 बजे इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे सर। तो 9 बजे चालू करेंगे क्योंकि हमारी जो शाम की मीटिंग है वो 8:30 बजे तक खत्म हो जाती है हार्डली, तो 9 से 11 करते हैं और अभी ये कंटिन्यू 4 दिन हम लोग करते हैं सर, ताकि लोगों को एक सही स्ट्रक्चरिंग करने का भी हम लोग बताएं किस तरीके से हमने काम करना है, और कुछ जो टॉप लीडर्स हैं उनका भी रिव्यू जाने कि किस तरीके से आप अभी नए स्ट्रक्चर को लेकर प्लानिंग करने वाले हो, किस तरीके से आप, ऐसा तो नहीं कि खाली बस फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हो, क्योंकि इस बार हमने एक रियल नेटवर्क को सजाना है, इस बार एक ऐसा नेटवर्क हम लोगों ने सजाना है कि हर व्यक्ति एक एक साल के अंदर अपने लाइफ में जो चाहता है वो मिल जाए उसको, तो उसकी हम लोग प्लानिंग करेंगे, उसी के ऊपर हम अगले कंटिन्यू 4 दिन बेहतर एजुकेशन देने वाले लोग हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे सर। ओके, डेली अब हम क्या करेंगे, सारे लीडर से बात करके हर किसी का रिव्यू लेंगे, राइट, किस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद 17 तारीख के बाद जैसे ही नया प्रोडक्ट आ जाएगा पूरा स्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा, फिर उसके बाद इमीडिएट हम लोग एक गेट टुगेदर का प्लान करेंगे एक बड़े लेवल पे 200-250 लीडर्स का, और उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे और फिर ट्रेनिंग सेशंस वगैरह शुरू कर देंगे। तो सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो कल हम लोग शाम को मिलेंगे 9:30 बजे। मैं आज ट्रैवलिंग में हूँ, कल रात को 9 बजे या 9:30 बजे का सेशन करेंगे, कल मॉर्निंग में या दिन में आपके पास मैसेज आएगा ग्रुप के अंदर। हमने एक नया ग्रुप बनाया प्लैटिन वर्ल्ड डेफी, जिसके अंदर सारे टॉप लीडर्स को एडमिन बनाया है, जहाँ पे आप अपने एक्टिव पार्टनर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं आपके अपलाइन के थ्रू,
ताकि हम मैक्सिमम लोगों को एक ग्रुप के अंदर लेके आए, तो कोई भी अगर ट्रेनिंग हो रही है तो वहां पे उनको वहां पे मैसेज मिल सकता है टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग, बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनिंग अब सोशल मीडिया के थ्रू आने वाले, जूम के थ्रू आने वाले। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक, कल शाम को मिलते 9:30 बजे।